हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आपके घर में पितृ दोष है, आपके पितृ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, आप चारों तरफ परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को भी हम गुरुजी की कथा से सुनकर ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस उपाय को आप ध्यान से समझिए। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको जो श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या पड़ेगी, उसमें आपको एक कटोरी में चावल लेने हैं। उस कटोरी में चावल आप उसमें चावल रखिए और एक कपूर का टुकड़ा रखिए, और उस कटोरी को आप घर के दरवाजे के बाहर, उस कटोरी को आप रात भर अमावस्या के दिन रात में उस कटोरी को रखा रहने दीजिए, और उसमें सुबह जो कपूर रखा है उस कपूर को आप सुबह नहा धो के आप जला दीजिए, क्योंकि उस दिन नवरात्र का पहला दिन पड़ेगा, तो उस कपूर को आप जला दीजिए। और जो कटोरी के चावल हैं, उन चावलों को आप किसी वृक्ष की छांव में जाकर पक्षियों के लिए आप डाल दीजिए। इस उपाय को करने से जो पितृदोष है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि इस दिन जो आप उपाय कर रहे हैं वो अमावस्या के दिन आप कटोरी रख रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन आप उसे जला रहे हैं, तो इसमें आपको पितरों और देवी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और लक्ष्मी की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं हैं, सब समाप्त हो जाएंगी, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।